हे देर, वेलकम बैक टू द चैनल। दिसंबर और आई कैन से फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी मेरा निकला है छोटे मोटे पार्टीज़ और गेट टुगेदर अटेंड करने में। क्रिसमस भी थोड़ा बहुत हम लोग ने सेलिब्रेट किया घर में। बहुत ही अच्छा आई शुड से दिसंबर का मंथ गया। आई होप मेरे सारे व्यूअर्स ने भी अच्छे से दिसंबर का मंथ सेलिब्रेट किया होगा, क्योंकि विंटर्स का जो टाइम है वो जनरली पार्टीज़, पिकनिक और फंक्शंस के ही होते हैं। तो इस साल मैं थोड़ा सा लकी रही क्योंकि मैंने काफ़ी सारे पार्टीज़ भी अटेंड किए और कुछ बर्थडे पार्टीज़ भी थे उनमें से, कुछ गेट टुगेदर्स थे, कोई तंबोला पार्टी था। तो ओवरऑल इट वाज अ वेरी आई शुड से हैपनिंग मंथ फॉर मी। और न्यू ईयर तो अभी शुरू हुआ है, तो फ़िलहाल तो दिल्ली में है बहुत ज़्यादा ठंड, तो अभी ठंड से जूझते हुए हम लोग निकल रहे हैं। तो इसी के साथ करते हैं आज का व्लॉग शुरू। और यहाँ पे मैं अपने एक फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में गई थी, और सब जब एक जगह होते हैं तो बहुत ज़्यादा मजाक, मस्ती, फन होता है। तो इस तरह से मन भी अच्छा रहता है और सोशलाइज़ भी कर सकते हैं हम लोग। तो मैं तो यही कहूँगी, जितना भी हो सके हम लेडीज़ को अगर बने तो ज़रूर सोशलाइज़ करते रहना चाहिए। इससे माइंड भी रिफ़्रेश होता है, घर के काम भी करने को मन करता है, और अपने ही जैसे अगर और भी फ्रेंड्स मिले तो लगता है कि लाइफ इजी हो जाता है। वही बजाए, मैं फोर्स नहीं कर रही हूँ, बट जिन्हें अच्छा लगा है सिर्फ वही बजाए। हैप्पी न्यू ईयर। देयर इज अ चाइल्ड बाय द नेम ऑफ उन्नति। उन्नति आज हम लोग आए हैं अपने सोसाइटी के न्यू ईयर पार्टी अटेंड करने, और यहाँ पे इस तरह से सेल्फी बूथ बनाया गया है जहाँ पे हम लोग अपने पिक्चर्स ले रहे थे। और काफ़ी ज़्यादा फूड स्टॉल्स, काफ़ी सारे सामान बिक रहे थे, उनके भी स्टॉल्स थे, और पूरा आयशत से सोसाइटी ऑलमोस्ट नीचे आ ही गया था। बहुत मज़ा आ रहा था, डीजे भी था, तो लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे। तो सबसे पहले हम लोग आए थे फूड स्टॉल्स को इंस्पेक्ट करने, क्या क्या मिल रहा है खाना वो देखने के लिए। और मुझे क्योंकि नूडल्स खाना काफ़ी अच्छा लगता है, स्पेशली ये हक्का नूडल्स, तो वही फर्स्ट मुझे दिखा तो मैंने कहा कि पहले हम लोग फर्स्ट प्लेट यहीं से खाना शुरू करते हैं। और एक प्लेट हम लोग ने पहले हक्का नूडल्स लिया, फिर लिया स्वीट कॉर्न्स, उसके बाद टिक्का कबाब, और साथ में लिया था लिट्टी चोखा। डीजे के साथ ऐसे सब लोग सोसाइटी वाले डांस कर रहे थे। तो खाना खाने के बाद हम लोग फिर यहाँ पहुँच गए, और मैं एज़ यूजुअल कैसे खुद को रोक सकती थी। उसके बाद फ्रेंड्स के साथ बहुत देर तक डांस किया, और फिर मैं भी स्टेज पे चढ़ गई डांस करने। सुबह का टाइम कितना ज़्यादा फॉग है, वैसे बहुत सुबह तो नहीं है, 9 o'clock हो रहा है, अर्ली मॉर्निंग तो कुछ भी नहीं दिख रहा था, बट अभी काफ़ी ज़्यादा फॉग स्टार्ट हो गया है इस तरफ भी। अर्ली मॉर्निंग तो कुछ दिख ही नहीं रहा था, पर अभी थोड़ा सा फिर भी क्लियर हुआ है। हाय फ्रेंड्स, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। आई होप आप सब लोग का जो न्यू ईयर है उसका बिगनिंग बहुत अच्छा हुआ होगा। मेरा तो अभी तक फिलहाल अच्छा ही चल रहा है, बट हाँ दिल्ली में पड़ गया है बहुत ज्यादा ठंड, और क्योंकि अभी मैं योगा से आई हूँ इसलिए ऐसे घूम रही हूँ, अदरवाइज तो दिन भर हम लोग मफलर या फिर टोपी पहन के घूम रहे घर में भी। इतना ज्यादा ठंड, इतना ज्यादा फॉग, और साथ में पोल्यूशन भी है। तो आज मैंने वही मोबाइल में देखा तो एयर क्वालिटी इंडेक्स अराउंड 293 आ रहा है, इट्स क्वाइट पुअर एज पर जितना होना चाहिए नॉर्मल स्टैंडर्ड से। बट एनी हाउ योगा जब गई थी तो एकदम मफलर वगैरह ओढ़ के ठंड में कांपते हुए गई थी, बट आफ्टर डूइंग द एक्सरसाइज थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। तो आई थिंक आजकल तो हम लोग
शायद ही कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं। एक्चुअली इतने सालों में ना लाइफ में एक्सपीरियंस हो गया है कि रेजोल्यूशन बनाना ही मतलब वेस्ट है, बनाना ही होता है, निभाना तो बहुत मुश्किल है। बट मैं अपने सारे व्यूअर्स को एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी कि चाहे वो न्यू ईयर रेजोल्यूशन के हिसाब से ले या फिर आई थिंक अ लाइफ स्ट्रैटेजी के हिसाब से ले तो ज्यादा अच्छा। तो मैं वैसे ऐसा ही अपने लाइफ लीड कर रही थी इतने सालों से, बट अभी सोच रही हूँ कि थोड़ा सा और इस पे स्ट्रेस करूंगी। तो मैं आप लोगों को भी कहूंगी कि आप दो चीज जरूर अपने लाइफ में करिए। फर्स्ट है कि स्टे फिट, फिटनेस के ऊपर ध्यान दीजिए। जरूरी नहीं कि आपको कोई योगा, जुम्बा, जिम जाना पड़े। सिंपल वॉकिंग या सिंपल माइल्ड जॉगिंग, घर में हमेशा एक्टिव रहना, मूव करते रहना, उससे भी फिटनेस आ सकता है। और साथ में फिटनेस के लिए करना है अपने खाने पीने पे ध्यान, जंक फूड अवॉइड जितना करें उतना अच्छा। तो ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन के हिसाब से तो नहीं, इट शुड बी अ लाइफ स्ट्रेटजी। तो ये जरूर आप लोग करिए एज माई ऑडियंस। मैं जरूर चाहूंगा कि आप लोग भी हेल्दी रहे, फिट रहे। तो ये तो रहा फर्स्ट। और सेकेंड जो बहुत इम्पोर्टेंट है मुझे लगता है वो है कि स्पेंड लेस। जितना भी आप अपने स्पेंडिंग जो बिहेवियर उसको अपने कंट्रोल में रखेंगे उतना ही घर गृहस्थी के लिए अच्छा होता है। तो ये दो पॉइंट मैं जरूर चाहूंगी कि आप लोग ध्यान दें। आज मंडे है तो योगा एंड जुम्बा मेरा दोनों ही रहता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा जो इजी बने खाना और जो कि जल्दी बने और खाने भी अच्छा लगे, जो कि बहुत जरूरी है। कल रात को ही मैंने ऐसे ये जो सूखे मटर है इनको भिगो दिए थे। तो पहले मैं मटर को वॉश कर लेती हूँ और फिर एक्वागार्ड के पानी में सोक करती हूँ। इससे ये होता है कि आप ये वाले पानी के साथ इसको डायरेक्ट डाल सकते हो कढ़ाई में, कुकर में। तो मैं ये वाटर को भी यूज करती हूँ। मुझे लगता है कि जब हम इसको सोक करते हैं तो कुछ न कुछ न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स पानी में भी जाता है। एक बज चुका है, ये है मेरा घड़ी। मैं इसलिए किचन में एक बड़ा सा घड़ी रखती हूँ जिससे कि टाइम के साथ साथ मैं जल्दी जल्दी काम भी कर सकूं। तो बंगाली में घुगनी बोलते हैं जो बनाते हैं, तो ये घुगनी बनेगा और राइस। फॉर स्टार्टिंग कुकिंग मैं एक बात बोलूंगी कि नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो रहेगा मेरा किचन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। मैंने ड्रास्टिकली काफी कुछ चेंज कर लिया है अपने लास्ट किचन ऑर्गेनाइजेशन वीडियो के बाद अपने किचन को। तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर जरूर करना चाहिए किस तरह से हम कितना डीक्लटर करके ऑर्गेनाइज करके सिंपल तरीके से रह सकते हैं और सारा कुकिंग बहुत इजीली कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आप जरूर चेक करना, वो रहेगा किचन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। तो चलिए अब और टाइम वेस्ट नहीं करके फटाफट से करते हैं कुकिंग स्टार्ट। मैं इस तरह से इस एक ऑर्गेनाइजर में हमेशा अदरक लहसुन और हरी मिर्च को तोड़ के रखती हूँ। तो ऑलमोस्ट 1 वीक का मेरा ऐसा काम रहता है निकाल के रखना। और ये मैं इससे इसलिए खोल रही हूँ क्योंकि अभी तक मेरे नेल्स सारे इंटैक्ट है, तो काफी बड़े हो गए तो थोड़ा ऐसा खोलना मुश्किल होता है। तो ये सब ध्यान में रख के मैं नेल्स को रखनी, तो आई थिंक ये 5 हफ्ते होने को है, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। पर राइट हैंड के मैंने थोड़े छोटे कर लिए क्योंकि इतने लंबे ना बहुत मुश्किल होता है फिर मैनेज करना दिन भर। तो लेफ्ट हैंड के मैंने बिल्कुल वैसे ही रखे हैं जैसे के तैसे, राइट हैंड के थोड़े मैं छोटे कर लिए, बट फिर भी इससे भी खोलना मुश्किल होता है। मैं थोड़ा सा केयरफुली खोलती हूँ। तो इस तरह से मैं अदरक और लहसुन छील के रखती हूँ, तो जल्दी जल्दी काम करना इजी भी रहता है। तो सैटरडे संडे मेरा ऑलमोस्ट इन्हीं सब एक्स्ट्रा काम में जाता है थोड़ा सा छील के रखने के लिए। ये हो गया अदरक और लहसुन का काम। और ये है हरी मिर्च, इनको भी तोड़ के ऐसे रखती हूँ। प्याज को तो हम लोग पहले से कट करके नहीं रखते हैं, रखना भी नहीं चाहिए क्योंकि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। क्योंकि बोलते हैं कि अगर आप कट अनियन रखते हैं तो वो आसपास के जर्म्स को अट्रैक्ट करते हैं जो कि इनविजिबल जर्म्स होते हैं। तो इसलिए प्याज को तो मैं उसी वक्त ही कट करती हूँ। और बाकी क्योंकि ऑलमोस्ट पील किया हुआ रखा है तो टाइम नहीं लगता, जल्दी जल्दी फिर बन जाता है।
तो एक एक करके प्याज अदरक और लहसुन सबको थोड़ा चॉप करके ऐड कर रही थी, और साथ में टमाटर को भी कट कर लिया है। वैसे मैं बोलूँगी सिंपल खाना मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, और आई थिंक सिंपल खाने से एक तो हेल्थ भी अच्छा रहता है, और ऊपर से आपको फिर हर तरह का खाने का टेस्ट लेने का भी मौका रहता है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा रिच फूड खाओगे तो नाइदर इट इज़ गुड फॉर हेल्थ नॉर इट इज़ गुड फॉर टेस्ट बड्स, मुझे तो खासकर ऐसा लगता है। और अभी मैंने उसमें थोड़ा सा साबुत जीरा भी ऐड कर दिया, क्योंकि मैंने जीरा पाउडर मेरा जो था वो ख़त्म हो गया था, बनाना है मुझे जीरा पाउडर, इसलिए साबुत जीरा ऐड कर दिया है। और अभी प्रेशर कुकर में पहले मैं मस्टर्ड ऑयल को थोड़ा गर्म करने के लिए रख दूँगी, और साथ में राइस भी चढ़ा दूँगी अच्छे से कि दोनों एक साथ हो जाए। और तेल गर्म होते ही मैं मसालों को पहले फ्राई कर लेती हूँ। तो वैसे तो कम तेल में अगर आप कुकिंग करते हो तो थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि तेज़ आंच में फिर आप फ्राई नहीं कर सकते, जल्दी मसाला फिर जलने लगता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा कम तेल में ही कुकिंग करना प्रेफर करती हूँ। तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम कुकिंग मेरा इसलिए लो फ्लेम में ही होता है और स्लो कुकिंग होता है, तो इसलिए मसाले का थोड़ा सा भूनने में टाइम लगता है। तो इसी बीच मैं कट कर ले रही हूँ अपने लिए एप्पल, क्योंकि योगा से आने के बाद लगती है बहुत ज़्यादा भूख, तो उस वक्त कुछ उल्टा सीधा नहीं खा के बेस्ट है अगर मैं उस वक्त फ्रूट्स खा लूँ। तो कुकिंग करते करते मैं खाती भी जा रही थी और कुकिंग भी करती जा रही थी, इससे आपको थोड़ा सा एक तो टाइम मिल जाता है अपने भूख को कंट्रोल करने के लिए, और साथ में फ्रूट्स भी खाना हो जाता, तो ये मेरा बेस्ट टाइम रहता है टू हैव फ्रूट्स। तो वही मैं अब सारे एप्पल्स कट भी कर रही थी और साथ में मसाले भी चलाते जा रही थी। तो इतने में मेरा मसाला भी हो गया है फ्राई, और अब मैं उसमें ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। वैसे मैंने हरी मिर्च तो डाला है तो तीखापन के लिए वो सफिशिएंट है, बट थोड़ा सा कलर के लिए ऐड कर रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। वैसे ये ज़रूरी भी नहीं है, इसके बिना भी टेस्ट काफ़ी अच्छा ही आता है। और अब मैं एक साथ ऐड कर दूँगी मटर जिस विद द वाटर, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं मटर को सोक करने से पहले वॉश कर लेती हूँ, और इसका जो सोक्ड पानी उसको भी ऐड करती हूँ, क्योंकि मिनरल्स और विटामिन्स आई थिंक उसमें भी थोड़े से चले ही जाते हैं जब हम सोक करते हैं। तो इस तरह से सारा जो पानी के साथ मटर ऐड करने के बाद ऐड करूँगी, फिर मैं इसमें नमक और थोड़ा सा गर्म मसाला, सिंपल सा गर्म मसाला जो हम लोग घर में बनाते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि जितने सारे मसाले हो वो घर में ही बना के यूज़ करूँ, इससे मैंने देखा है कि जो टेस्ट है वो डबल हो जाता है। मार्केट से ख़रीदे हुए जो हम ड्राई स्पाइसेस लेते हैं उससे ज़्यादा अगर आपको टेस्ट चाहिए तो बेटर है कि घर में ही मसाले बनाए जाए। तो नमक और हल्दी और लाल मिर्च पाउडर के सिवाय बाकी सारे मसाले मैं घर में ही बनाना प्रेफर करती हूँ। और अब बस और कुछ भी नहीं करना, इनको अच्छे से स्टर कर लेना है और प्रेशर कुक कर लूँगी हाई फ्लेम में 8 से 10 विसल तक, और उसके बाद तभी खोलूँगी जब प्रेशर अपने आप रिलीज हो जाए। और ये रहा आज का गर्मा गर्म लंच, हॉट स्टीमिंग राइस साथ में घुगनी, और थोड़ा सा मैंने अनियन कट कर लिया है, और है मिर्ची का अचार। कड़कती ठंड में ऐसे गर्मा गर्म खाने की जो स्वाद है उसका कुछ अलग ही मज़ा है, और इससे ज़्यादा ज़िंदगी में चाहिए ही क्या, सिंपल सा टेस्टी सा खाना और साथ में घर वालों का साथ, आप लोगों का साथ। तो इसी के साथ मैं करूँगी आज का व्लॉग एंड। आई होप आप लोग को इस साल का मेरा ये फर्स्ट व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो डोंट फर्गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो चलिए मिलूँगी मैं बहुत ही जल्दी आपके साथ एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्पेंड लेस। सी यू सून।